हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखने वाले हैं कि जब हम सीएसवी फाइल को रीड करके डेटा फ्रेम बनाते हैं, उसके बाद हमें ग्रुप बाई कैसे अप्लाई करना है और फिर डेटा को हमें शॉर्ट कैसे करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम फटाफट से अपना जुपिटर नोटबुक का स्क्रीन ओपन कर देते हैं। यहाँ पे आपको टाइप करना है JUPY। ये देखिए, जुपिटर नोटबुक आ गया। जैसे ही आप पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ब्लैक स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगा और फिर इसका जो होम स्क्रीन है वो ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको न्यू पे क्लिक करके ये Python 3 फाइल ओपन करना है और फिर जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कमांड्स बता देती हूँ, आपको कौन से कमांड्स टाइप करने हैं। इससे हमारा डेटा जो था वो हमने CSV से रीड किया था, अब हम इसको प्रोसेसिंग करेंगे यूजिंग डेटा फ्रेम। सबसे पहले ये जो CSV फाइल है वो हमारी कहाँ पे लोकेटेड है, वो हमारी है डेस्कटॉप पे। ये देखिए, ये जो डेस्कटॉप पे मैंने VK नाम का फोल्डर बनाया है, इसके अंदर डेटा का फोल्डर है और इसके अंदर है हमारा DF कंपेयर। और यहाँ पर ये CSV फाइल है पेमेंट ईयर 2018। तो ये जो CSV फाइल है इसमें मोर देन 7000 रोज हैं एंड 145 कॉलम्स हैं। तो अब हम इसको प्रोसेसिंग कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक कमांड लिखना है, प्रिंट df.head n इक्वल टू 5। तो यहाँ पर जो फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स है वो हमारे डिस्प्ले हो जाएंगे। ये बाद आपको लिखना है प्रिंट df.columns। तो हमारे जो भी कॉलम नेम्स है वो डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे फैसिलिटी नेम, EMS सर्टिफिकेशंस। तो यहाँ पे देखिए, ये जो एक्सेल फाइल है उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे कॉलम नेम्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, फैसिलिटी नेम्स, EMS सर्टिफिकेशन नंबर, अल्टरनेट CN, CCN, देन एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन, जिप कोड, ये सब हमारे जो हेडिंग्स है, कॉलम हेडिंग्स, वो डिस्प्ले हो जाएंगे। के बाद अगर आपको कॉलम प्रिंट करने हैं तो आपको लिखना है प्रिंट कॉलम्स इन df.columns प्रिंट कॉलम। तो हमारा कॉलम्स वन बाय वन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा फ्रॉम df.columns। देखिए, वन बाय वन हमारे जो कॉलम नेम है वो अलग अलग रोज में डिस्प्ले हो गए, जैसे फैसिलिटी नेम, सर्टिफिकेशन नंबर, ये सब हमारे कॉलम्स 145 अराउंड कॉलम्स है, ये डिस्प्ले हो जाएंगे। अब हम एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे, df_states इज इक्वल टू df.group_by_state। तो हम इसे स्टेट से ग्रुप बाई करेंगे डॉट साइज। तो यहाँ पे देखिए, AK has 9 वैल्यूज, AL 181, ऐसे करके ये हमारा स्टेट वाइज ग्रुप बाई क्लॉज यूज करके हमने डेटा को ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया है। जहाँ पे भी रिकॉर्ड में AK है वो सारे एक ग्रुप में हो जाएगा, AL नेक्स्ट ग्रुप में आ जाएगा। इस तरह से हमने ग्रुप्स क्रिएट कर दिए हैं। अब इस जो ग्रुप को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है, तो हम लिखेंगे df_states इज इक्वल टू df.group_by_state.size.short_values असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। मतलब हमारा जो डेटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाएगा। और फिर हमें लिखना है प्रिंट df_state। अब आपको इसको क्लिक करके ये जो स्टेटमेंट है इसको रन करना है। तो ये देखिए, अब हमारा जो स्टेट्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो गया। मतलब TX758 CA742, इस तरह से हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा डिस्प्ले हो गया। अब हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय। तो हम लिखेंगे df_state इज इक्वल टू df.group_by_state.size.short_values असेंडिंग। तो हमारा असेंडिंग फॉल्स है, मतलब हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टेट वाइज ये डेटा हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। बट हमें सिर्फ थोड़े ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं, जहाँ पे हमने लिखा हेड
एन इक्वल टू 10, मतलब हमारे जो फर्स्ट 10 रिकॉर्ड्स है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, एक्स 758, ऐसे करके हमारे 10 रिकॉर्ड्स यहाँ पर डिस्प्ले हो गए। तो आई होप दिस प्रैक्टिकल वॉज इंटरेस्टिंग। थैंक यू।